नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी को सावधान कर दूं कि हमारे वीडियोज में नीचे कमेंट बॉक्स में काफी लोग मेरे ही नाम से अपना नंबर दे रहे हैं। ये तमाम लोग फ्रॉड हैं, इनसे सावधान रहें। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नहीं देती हूँ, तो अपने आप को बचाए रखें। दोस्तों, पहले भी मैंने ये जानकारी दी थी, एक वीडियो में मैंने बताया था शायद, कि जो तेज पत्ता है इसमें लक्ष्मी का वास है। तेज पत्ता शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है और उसके साथ कई ग्रहों की ये शांति करता है। कितने ही ऐसे ग्रह है जिसको ये मजबूत भी बनाता है। तेज पत्ता यदि आप धन स्थान में रखते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। यदि आपके घर में ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी है, कहीं आपको कोई परछाई दिखाई दे रही है, कहीं आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो रहा है, कहीं आप घर के अंदर या घर के बाहर एकांत विस्तार में है, कहीं निर्जन विस्तार में है और आपको कोई नेगेटिविटी का डर सता रहा है, तो एक तेज पत्ता आप वहां पर जला दें। थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब जैसे एक तेज पत्ता आपने जलाया है तो 15-20 मिनट के बाद आप दूसरा तेज पत्ता जला दें। तेज पत्ता जहां जलेगा, जहां उसका धुआं फैलेगा, वहां पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी कैसी भी हो दूर हो जाती है। एक वीडियो दोस्तों मैंने शायद पहले अपलोड की है, मुझे बराबर ध्यान नहीं है कि इसमें शायद ये उपाय मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस किया था। मैंने बताया था कि तेज पत्ता जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय जब आप किचन में कंप्लीट साफ सफाई कर देते हैं, तो एक तेज पत्ता आप गैस के ऊपर रख दें और दूसरे दिन सुबह गैस जलाने से पहले, मतलब गैस पर चाय वगैरह बनाने से पहले जब आप गैस जलाते हैं, उस समय पहले उस तेज पत्ते को जला दें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य बढ़ जाता है और घर में कैसी भी नेगेटिविटी हो दूर हो जाती है। दोस्तों, नेगेटिविटी का सबसे ज्यादा वास आपके घर में बाथरूम में होता है और रात को जो नेगेटिविटी आपके घर में आती है वो आपके किचन में जाना बिल्कुल भी नहीं भूलती है। तो यदि किचन में आपने रात से कोई तेज पत्ता रख करके रखा है और सुबह आप उसको जलाते हैं, तो समझिए जो भी नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करके उसको वो जला देता है और लक्ष्मी को आपके घर में आवाहन देता है। लक्ष्मी का आपके घर में आना शुरू हो जाता है यदि आप एवरीडे रात को एक तेज पत्ता रख देते हैं और सुबह उसको जला देते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जो लोग रोज इस क्रिया को ना कर सके वे लोग कम से कम रविवार के दिन अवश्य ही करें, या तो शनिवार के दिन चाहे तो आप कर सकते हैं, शनिवार की रात को पत्ता रखें और रविवार की सुबह जला दें, या फिर रविवार के दिन आप उस पत्ते को रखें और सोमवार की सुबह आप उसको जला दें। जो लोग रोज इस क्रिया को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो वे लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ये क्रिया दोस्तों पहले भी मैंने जिसको भी बताई है सभी को इतना जबरदस्त फायदा हुआ है। इससे हर व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त हुई है और नेगेटिविटी कम्प्लीटली दूर हो जाती है। आपको यदि ऐसा लगता हो दोस्तों कि हमारे इस बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव चीज का वास है जो हमारे कामों को सफल नहीं होने देती है, तो भी आप तेज पत्ते के ऊपर लाल पेन से ओम हम पवन नंदनाय इस मंत्र को लिखें और उस पत्ते को पूरे घर में घुमाएं, अपने ऊपर से 7 बार उवारें और उसको आप चौखट के बाहर रख करके जला दें। ऐसा करने से भी आपके घर की नेगेटिविटी, आपकी बॉडी में रही हुई नेगेटिविटी कम्प्लीटली दूर हो जाएगी। तेज पत्ता जहां भी होगा, मैं आपको बता दूं, तेज पत्ता जहां भी है वहां नाम है, यश है, धन है और नेगेटिविटी बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो घर में भी दोस्तों हमेशा तेज पत्ता रखें, किचन में हमेशा एक डिब्बे में भर करके तेज पत्ता अवश्य ही रखें और गैस किलो से इसको जला दिया करें। एक पत्ता तो मतलब आप एवरीडे जलाएं, कुछ ही दिन में दोस्तों आप देखेंगे आपकी किस्मत चमक जाएगी।
तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। आपके द्वारा शेयर की गई जानकारी से पता नहीं कब कहां किसका भला हो जाए। शेयर अवश्य ही करें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।